बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आज क्या पकाए में। हमने बहुत ही मज़ेदार करेले और चने की दाल बनाए, आप इसको मेरे मेथड से बनाइएगा। करेले बनाना जो कि बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। करेले को मैंने पहले साबुत करेले को धो लिया, धो के कपड़े से खुश करने के बाद हमने इनको रिंग की शक्ल में काट लिया और इनको फ्राई कर रहे हैं। कुछ ये हमारे पास करेले फ्राई हो चुके हैं, जो कि आधा किलो थे वज़न में। और एक ये छोटा बाउल हमारे पास चने की दाल का था, इसको हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए सोक किया। हल्की सी हल्दी यानी हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक के साथ हमने इसको इतना बॉईल कर लिया है कि ये गल गई है और थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए और इसको हमने छान लिया है। अगर इसमें कोई बीज कोई वो हो तो बिल्कुल तेल को हमने साफ कर लिया है। अब इसमें हम ये गरम मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी के स्टिक हैं 2-3, 2 तेज़पात के छोटे पत्ते हैं, 10-12 हमने ये लिए हैं काली मिर्च लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया, 2 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची लिए। इसको हम ऑयल गरम हो गया, फ्राई हो गया गरम मसाला, तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे 2 मिनट। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया है तो इसी ऑयल में हम प्याज शामिल कर देंगे, जो कि 5-6 प्याज हैं, नॉर्मल साइज की प्याज थी, और इसको नरम होने तक पकाएंगे। प्याज का कच्चापन दूर होगा तो बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे, वो मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरी वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। और ये करेले बनाना बहुत ही आसान है, ना मैंने करेले को निचोड़ा है, ना इसमें नमक लगाया है, कोई ऐसी मेहनत नहीं हुई जो कि इस पर की जाए। और बस इसको यही है कि आप इसको धोएँ अच्छे से और खुश करें, खुश करने के बाद आप काट लें, किसी शेप में भी आप काटें, इसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए और ना हम इसको बाद में धोएंगे, बस पहले हमने धो लिया और फिर काट लिया। ये इसमें मैं कुछ अचारी मसाला शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून से कम मेरे पास मेथी दाना है और 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ और धनिया है। ये रोस्ट किया है और थोड़ा सा इसको कूट लिया ताकि इसकी खुशबू अच्छे से निकल आए। 1/2 टीस्पून मैं इस स्टेज पे नमक भी शामिल कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि हमारी प्याज जल्दी से पिन हो जाएगी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा काम और आसान हो जाएगा। और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है और इसमें हम बाकी के स्पाइस शामिल कर देंगे, जो कि 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें हमने पिसी हुई मिर्च शामिल की है, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की। अब इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ सौंफ, धनिया और कलौंजी, मेथी दाना हम ये डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हम इसमें दाल भी साथ ही शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे से पकाएंगे मसाले के साथ, मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये गल भी जाएगी इसी में। अब इसमें हम दिल चाहे हमारा हम कैरी डालें, दिल चाहे टमाटर डालें, दिल चाहे दही से भुनें, हम इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो दिल चाहे। मैं इसमें 1 अदद कैरी डाल रही हूँ जो मैंने कद्दूकश की है, हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसको 2-4 मिनट हम फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं दम पे रख दूँगी। अच्छे से गल गई है और इसको हमने 5 मिनट के लिए ढक के पकाया था ताकि दाल में भी मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इस स्टेज पे हम इसमें करेले शामिल कर रहे हैं। अब करेले शामिल करने के बाद हम इसको ढकेंगे नहीं और 2-4 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे दाल के साथ। दाल हमारी साबुत भी है और गली हुई भी है। हम इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, जो कि खुशबू के लिए होगा और ज़ायका भी मज़ीद बेहतर होगा। जूलियन कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, जो चने की दाल का बादीपन है वो भी इससे दूर होगा। और अच्छा खासा पेस्ट हमने पकाने के दौरान भी शामिल किया, कुछ पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्ची हम पहले काट के डाल चुके हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी देख सकते हैं। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है और इस तरह से हमारी ये मज़ेदार चने की दाल और करेले तैयार हो गए। आप मेरी रेसिपी से ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं आपके करेले, इंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।